ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कैसे योद्धा के बारे में कि अगर उसका साथ दुर्योधन को मिल जाता तो महाभारत युद्ध का परिणाम ही कुछ और होता। हिंदुओं के प्रमुख काव्य ग्रंथ महाभारत में शूरवीरों और योद्धाओं की कमी नहीं है, हर कोई एक से एक बढ़कर थे। इस काव्य ग्रंथ में केंद्र बिंदु की भूमिका में रहे श्री कृष्ण सभी योद्धाओं के पराक्रम से सुपरिचित थे। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण सभी योद्धाओं की युद्ध क्षमता को आंकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सभी से एक ही सवाल पूछा, अकेले अपने दम पर महाभारत युद्ध को कितने दिन में समाप्त किया जा सकता है। पांडु पुत्र भीम ने जवाब दिया था कि वो 20 दिन में इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। वहीं उनके गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि युद्ध को समाप्त करने में उन्हें 25 दिन लगेंगे। अंगराज कर्ण ने इस युद्ध को खत्म करने के लिए 24 दिन पर्याप्त बताया था और इन्हीं के प्रतिद्वंदी अर्जुन ने 28 दिन बताया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब यही सवाल घटोत्कच के पुत्र और बलशाली भीम के पौत्र बर्बरीक से पूछा तो जवाब सुनकर श्री कृष्ण दंग रह गए और सन्न रह गए। बर्बरीक ने कहा कि हम आज कुछ ही पलों में युद्ध की दिशा और दशा तय कर सकते हैं। बर्बरीक के बारे में कहा जाता है कि वो बाल्यकाल से ही बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी मां मौरवी से सीखी थी। यही नहीं, भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्होंने 3 अमोद वान भी प्राप्त किए थे। कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो उस दौरान बर्बरीक इस युद्ध में भाग लेने के लिए बहुत ही ज्यादा व्याकुल था ताकि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। उन्होंने अपनी माता मौरवी के समक्ष युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। माता मौरवी ने इजाजत दे दी। फिर बर्बरीक ने अपनी माता से पूछा कि वो युद्ध में किसका साथ दे। माता ने सोचा कि कौरवों के साथ तो उनकी विशाल सेना है जिसमें पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महारथी हैं, इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। ऐसा सोच माता मौरवी ने अपने पुत्र बर्बरीक से कहा कि जो हार रहा हो उसी का सहारा बनना पुत्र। वैसे कहा यह भी जाता है कि गुरु की शिक्षा लेने के दौरान बर्बरीक ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु को वचन दिया था कि वो कभी व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए युद्ध नहीं करेंगे, साथ युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा उसके साथ खड़ा होंगे। अपनी माता और गुरु का वचन लिए जब बर्बरीक अपने घोड़े जिसका रंग नीला था पर 3 वान और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए तभी बीच में वासुदेव श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक को रोका और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वो मात्र 3 वान से युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 वान शत्रु सेना का ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद वान वापस तरकस में ही आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के युद्ध कौशल को देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चुनौती दी। उन्होंने बर्बरीक से कहा कि पीपल के पेड़ के सभी पत्रों को छेद कर दिखलाओ जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुनीर का एक बाण निकाला और ईश्वर का स्मरण कर उन्होंने बाण छोड़ दिया और पेड़ की पत्ती की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को छेद दिया और कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। तीर उनके पैर को भेदते हुए पर गिर पड़ा। भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध का अंत जानते थे, साथ ही वह बर्बरीक के मन को भी समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि कौरवों को हारता देख बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों की हार निश्चित है। तभी ब्राह्मण रूपी वेश में श्री कृष्ण ने चालाकी से बालक बर्बरीक से दान की अभिलाषा की। इस पर वीर बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वह उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होंगे तो अवश्य ही उनकी मांग को पूरा करेंगे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में शीश मांगा। सर, बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए अचंभित हो गया परंतु उसने अपनी वचन की दृढ़ता जताई। बालक बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में दर्शन की इच्छा व्यक्त की।
तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आए। कृष्ण के बारे में सुन बालक ने उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। अर्जुन, संजय, पवन पुत्र हनुमान के अलावा बर्बरीक चौथे व्यक्ति थे जिनकी अभिलाषाओं को श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर पूर्ण किया। भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान भेंट करने से पूर्व बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की क्योंकि वो अंत तक महाभारत युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की द्वादशी को बर्बरीक ने अपने आराध्य देवी देवताओं की वंदना की और अपनी माता का नमन किया। फिर कमर से कटार खींचकर एक ही बार में अपने शीश को धड़ से अलग कर भगवान श्री कृष्ण को दान में दे दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींच कर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया ताकि बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सके। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।